तीन पार्ट के जो वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट वन, इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिक्स. इन दैट वी कवर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन एंड द स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ द डेटा विच आर प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. Then we move towards the measures of the scientific tendency. We covered mean, all type of the mean sums, means problems. Okay. Then we covered mode के जितने भी question हैं, type of the question है, जो problem है, जो sums है, अपने ने वो देखे, which is in part 2. Okay. फर्स्ट वन इज अबाउट द मीन एंड द थियरी, सेकेंड वन इज अबाउट द मोड, सेकेंड पार्ट मोड है. उसके अंदर भी लिटल बिट कवर अ स्मॉल पॉइंट विच इज अबाउट द रेंज एंड रिलेटिव रेंज, राइट. सो दिस इज हाउ वी मेड थ्री वीडियोज, पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री. नाउ वी आर मेकिंग पार्ट फोर ऑफ दिस यूनिट, राइट. In this in part 3 we also covered quartiles and quartile deviation. Okay, so that's how we made three videos. Now in the fourth video we are going to discuss about the mean deviation. This is mean deviation, right. So what is the means of the mean deviation, who found it? So Hooper and the Baron, okay, found this development statistics, and they introduced something which is unique about a mean deviation, right. What is the mean deviation? So in your this BSA book you will get on the page number 61 something about mean deviation. So in your this book, mean deviation is something about the average of the position, the average of positive deviations of the observation from their average is called mean deviation, right. क्या बोल रहा है, the average of positive deviation of the observation फ्रॉम देयर एवरेज, उसकी एवरेज निकालनी है जो अपने पास डेटा, उसकी एवरेज निकालनी, डेविएशन का जो डेटा है उसकी जो एवरेज निकालनी है उसको मीन डेविएशन बोलते हैं. मीन्स कहीं कहीं ऐसा है कि मीन ढूंढा है, वो सब डेटा का भी मीन ढूंढना, मीन्स रीचिंग टू द लास्ट लिस्ट पॉइंट, कि इससे आगे इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है. मीन को भी एकदम बोल सकते हैं ना, एकदम परफेक्ट मीन में कन्वर्ट करना, उसको ही बोलते हैं मीन डेविएशन, ठीक है. अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला आएगा सिग्मा. अब इसको ये है ना, इसको गुजराती में मानक बोलते हैं और उसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है. तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन. अब एक्स माइनस एक्स बार है वो एब्सोल्यूट में है, बराबर मानक में है. आगे है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन्स MD means mean deviation divided by x bar, right? Coefficient of the mean deviation का मतलब है, उसका formula है MD divided by x bar. तो suppose कोई भी सब ने आपको ऐसा बोला है कि find the coefficient of the mean deviation, तो first of all you have to find MD. आपको पहले mean deviation ढूंढना है. जब आप mean deviation ढूंढोगे, जब आपके पास x bar होगा, then you can calculate the coefficient of the mean deviation, right? अब आगे है मीन डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा. सो यही है, बराबर. दिस इज ऑल अबाउट द अनग्रुप डेटा, बराबर.
ये अनग्रुप डेटा के ही फॉर्मूला है, तो ऊपर के फॉर्मूला ही यहाँ पे है, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने अलग से लिखे कि समझ में आए कि अनग्रुप डेटा का अगर हम इंटीग्रेशन पूछे तो अपने कैसे करेंगे, तो सेम बराबर, मे बी इट्स कैलकुलेशन मेथड विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द इलस्ट्रेशन नंबर 38, फाइंड मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 12, 17, 23, 25, 29, 31, 32, 35, 37। सो वी विल डू दिस, राइट। अब इसका टोटल आएगा, इट्स अबाउट द 270। सो हाउ वी विल कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट अ मीन ईयर। एक्स बार मीन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, सो दैट्स हाउ यू विल गेट 270 डिवाइडेड द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 270 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल बी ए 27। सो इन दिस फॉर्मूला इन द ऑब्सोल्यूट x माइनस x बार फ्रॉम x बार वी विल डू 27। सो 12 में से 27 जाएगा, आंसर विल बी 15। एब्सोल्यूट मींस इग्नोर द साइन, यहाँ पे माइनस प्लस लिखना ही नहीं है। 17 में से 27 जाएगा तो आंसर विल बी 10। एक्चुअली में आता है माइनस 10, लेकिन ये एब्सोल्यूट है ना तो सबको प्लस कर देता है, इसका काम ये है। ठीक है, तो ऐसे करते जाओगे तो आंसर आएगा ये 2, 2, 4, 5, 8 and 10। सो द टोटल ऑफ दिस विल बी 62। वॉट इज द टोटल, सो दिस विल बी लाइक सिग्मा इन एब्सोल्यूट x माइनस x बार, तो जहां पे ये मांगे वहां पे अपने 62 लिखेंगे, राइट। सो आंसर आपको पूछा क्या है, मीन डेविएशन फाइंड करो, तो मीन डेविएशन md इज इक्वल टू सिग्मा इन एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय n। सो आंसर विल बी लाइक 62 डिवाइडेड बाय 10। सो आंसर विल बी हमारा md यहाँ पे मिला 6.2। ठीक है, ये आंसर मिल गया। नाउ दे ऑल्सो आस्क अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन, तो यहाँ पे अपने कोएफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन द फॉर्मूला इज मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय द एक्स बार। What is our mean deviation? Mean deviation is 6.2. And what is our x bar? X bar is 27. So we go through the calculator. This is Amir calculator. Okay, 6.2 divided by 27. So answer is something about 0.229. It's near about 0.23. This is our coefficient of the mean deviation. This is the ungrouped data, right? Ungrouped data ka जो मेन डेविएशन ढूंढना है और कोएफिशिएंट का मेन डेविएशन ढूंढना है, तो यही मेथड से हो सकता है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड गोइंग फॉर द 39 नंबर सम, फाइंड मेन डेविएशन फ्रॉम दिस डेटा। सो सेम हियर एक्स इज गिवन, सेम हियर एक्स इज गिवन, वी आर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ द एस एक्स, सो वी विल गेट इजीली एक्स बार। एक्स बार मीन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, सो 504 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so it is 50.4. that's easy. Now what we will do, we will subtract 43 from 50.4, so answer will be like 7.4. ignore the sign, yeah, we all thing will come in the plus sign. 5.4, 6.6, 0.4, 2.6, 1.4, 2.4, 0.6, 5.6, the total will be like 34. Now we will make formula here, sigma in bracket x minus x bar in the absolute and divided with the 9, so 34 divided by 10, answer will be 3.4. So our mean deviation is 3.4. They are also asked to find the coefficient of the mean deviation. So coefficient of the mean deviation, the formula is mean deviation divided by the x bar. So mean deviation is 3.4 and our x bar is 50.4. We are going through this Amir calculator. Okay. So the answer will be like
3.4 डिवाइडेड बाय 50, 3.4 डिवाइडेड बाय 50.4, सो आंसर विल बी 0.07, ठीक है. तो अब कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन 0.07 आता है. ये 10 लाख का कैलकुलेटर है, बोलो. इट जस्ट लुक लाइक द मेकअप बॉक्स. फोर्टी नंबर सम. फाइंड मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. दे आर गिविंग मी ऑब्जर्वेशन, मीन्स ऑब्वियसली दिस इज द एक्स. दे आर गिविंग मी द फ्रीक्वेंसी, मीन्स ऑब्वियसली इट्स एफ आई. सो आई ब्रॉट दिस इन द टेबल फॉर्म एंड आई डू द टोटल ऑफ द सिग्मा एफ आई, दैट विल बी फाइंड 230, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टू फाइंड द एक्स बार टू कैलकुलेट द एम डी एंड कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन, राइट. सो फ्रॉम दिस डेटा आई कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली लाइक दिस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, नो, बिकॉज आई दे गिव मी अ एक्स, उन्होंने मुझे एक्स दिया है, यहाँ पे एफ भी दिया है, तो मीन्स डेफिनेटली देर इज समथिंग अदर मेथड टू फाइंड द एक्स बार. सो आई टू गो थ्रू अ अदर मेथड विच आई कैन अप्लाई फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, राइट. सो from x bar I will find a plus sigma fd divided by, and something this is about from the standard 10 this method called by the assumed mean method, right, from the statistics chapter. Okay. So we will do a d here, x minus a. So we will assume a of the 63. So this is our a. सो ए का वैल्यू है यहाँ पे 63. नाउ वी सबट्रैक्ट 60 में से 63 जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2 आएगा, यहाँ पे माइनस 2 आएगा, यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा. 63 में से 63 जाएगा 0 आएगा, 64 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4. नाउ वी विल डू एफ एंड डी का मल्टीप्लीकेशन. 7 3 21, दैट्स हाउ वी गो थ्रू 30 38 0 70 52 30 and 40. Now you have to do the calculation from Amir calculator. 21 plus 30 plus 38, all in minus, right. So this all three data's total is -89. Okay, -89. Now you have to calculate 70 52 30 and 40, then you have to subtract 89 from that total data. You will get something in minus or something in the plus. That's how. If you get in minus, you have to write the minus. If you get plus, then you have to get the plus. Means you have to do all calculation with the sign, right? So remember, this is -89. Okay, 70 plus 52 plus 30 plus 40. Now you will get the total of this plus number is 192. 192. I will write here 192 minus 89. So minus 89 will get 103 in the positive. So sigma FD will be 103. Now I will find from this data, I have A 63, I have sigma FD 103, I have total N, therefore is 230. Now again we will use this on the calculator, 230, right. So something 103 divided by 230 will be 0.44. 63 plus 0.45, sorry, plus 63, then you will get 63.45. So this is our x bar. Just we are reached to the x bar, we are not solved MD, right. So we will go to solve the mean deviation. What is the formula? Same sigma f in absolute x minus x bar, again divided with the n. So what will be our sigma f in absolute x minus x bar, right? This is something about the group data, right. What is the x minus x bar? So we have x bar 63.45, and this is the x. 60 में से 63.45 जाएगा, you will get 3.45 2.45 1.45 0.45 0.55 1.55 2.55
and 3.55. Now multiply f with this. So what is the f? F is 7 and 3.45. We will get 7 multiply with 3.45. The answer will be 24.15. So first will be 24.15. Again 36.75, 55.10, 24.30. You have to do the multiplication of these two things. 24.3, 38.50, 40.30, 25.50, 35.50. The total of this sigma half in absolute x minus x bar will be 280.10. So we will write 280.10 divided with your sigma fi is 230. Again we will use this calculator. 280.10 divided by 230. The answer will be 1.22, right? So our mean deviation is 1.22. Right? Now coefficient of the mean deviation, the formula will be MD divided by X bar 1.22, and our X bar is 63.45. So we will divide this with the 63.45 and the answer will be 0.01. You can write 0.02 because there is a third digit is 9. So we can increase a second digit by one number. Okay. So this is how we will complete this sum, and this is about the group data sum. And group data sum has a different method to solve the x-bar, different method to solve the MD, and different method to solve the coefficient of the mean deviation, right? 41. Same you can do here. You can find x-bar, right? You have to do it by yourself. X-bar. Once you get the x-bar will be 12.32, right? Now you have to do this calculation. So if you have D, you have FD. Now you have to calculate this 12.32 from the X, subtract it and get this answer. Then you have to multiply F with this and get this answer, total of this. Then you can do MD and then CMD, right? So you have to go through this. Now answer will be, I write it to sort, MD is equal to 2.39, maybe near about 2.40, okay? So this is how you will solve the sum exactly from these steps. Okay, you 41 ka jo sum karna hai, wo 40 number ka jo maine sum samjhaya, uske hisab se karoge to aapko answer mil jayega. Yahan pe aapko coefficient of the mean deviation dhoondna nahi hai, just you have to find the mean deviation. So your sum will go till this, not this. CMD, if you want to find, you can find. Okay, again 42. 42 में अपने को यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए, देखो बराबर यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं थे, उसके आगे तो रो फॉर्म में था, रो फॉर्म में से अपने बड़े टेबल पे, टेबल में से बड़े जब अपने क्लास इंटरवल में, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा बराबर, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है. ठीक है, तो देखते हैं अभी थोड़ा चेंजेस हो जाएगा. ऑप्टेन द कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. मार्क्स दिए है यहाँ पे, क्लास इंटरवल दिए है यहाँ पे, स्टूडेंट्स के दिए, तो डेफिनेटली दिस इज द क्लास इंटरवल, दिस इज द एफ आई एंड दिस इज द एक्स. आई हैव टू फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ द एक्स, या जो दिया है उसका मिड वैल्यू ढूंढना है. तो 10 प्लस 19, ठीक है, 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 करना है मुझे, इसका टोटल लगाना है. देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो. 10 प्लस यहाँ पे जो फर्स्ट है ना, 10 प्लस 19 उसका टोटल है 29. आई हैव टू डिवाइड इट बाई 2 इट, सो आंसर विल बी 14.5. तो यहाँ पे मुझे सीधी सीधी कीमत, मुझे मिड वैल्यू निकालनी है क्लास इंटरवल की. तो जो क्लास है मैं उसका टोटल डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, ये सबका टोटल डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, तो मुझे यहाँ पे मिड वैल्यू मिल जाएगी. तो फर्स्ट की वैल्यू मुझे मिली 14.5, आगे मुझे मिलेगी 24.5, फिर 34.5, फिर 44.5, फिर 54.5, फिर 64.5, फिर मिलेगी मुझे 74.5. ना इतना तो काम मैंने कर दिया, इसका टोटल 250 मेरे पास ऑलरेडी है. नाउ मुझे ढूंढना है पहले तो x बार. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द x बार व्हेन द क्लास इंटरवल गिवन. तो यहाँ पे आएगा a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाई बाय c. यहाँ पे क्लास इंटरवल है, इसलिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय c
करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं थे तो मुझे यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई बाई सी करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाई सी लिख दिया होता और उसका वैल्यू मैंने एक रख दिया होता तो आंसर कोई चेंज नहीं होने वाला था। बराबर, सी लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, क्लास इंटरवल है तो यहाँ पे तो सी का कैलकुलेशन आएगा ही। ठीक है, तो ये आपको एक ध्यान में रखना है। अब मुझे यहाँ पे एक्स में से यहाँ पे डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी माय ए, तो मैं यहाँ पे 44.5 को मेरा ए ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। बराबर, अब क्या करना है, 14.5 में से 44.5 माइनस करेंगे। देखो 14.5 में से 44.5 माइनस करेंगे तो आंसर इज -30। बराबर, ऐसे सब डिजिट मुझे मिलेंगे। अब उसका सी क्या है, तो सी है 10, यहाँ पे सी 10 है, क्लास इंटरवल का जो रेंज है वो 10 है, 49 में से 40 जाएगा। यहाँ से चलो मैं यहाँ पे आके लिख के देता हूँ, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, ये सबको मैं डिवाइडेड बाई 10 कर सकता हूँ, तो मेरा सी यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो ये -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 0, 1, 2 and 3 हो जाएगा। ये वैल्यू की अब मुझे ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैंने उसको भी कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वो काम हो गया। अब मुझे एफ डी का मल्टीप्लाई करना है दिस वीक्स, तो यहाँ पे 11 3 -33 -46 -45, यहाँ पे 0, यहाँ पे 49, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, टोटल मारूंगा हमें कैलकुलेटर से तो आंसर विल बी लाइक 45। अब मुझे x माइनस x बार करना है, उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे x बार ढूंढना पड़ेगा, तो जो डेटा है उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे एक है मेरे पास 44.5, सिग्मा एफ डी है मेरे पास 45, एन है मेरे पास 250, यहाँ पे 0 0 मैं कैंसिल करूँगा, 45 डिवाइडेड बाई 25 करूँगा, आंसर आएगा 1.8, उसको 44.5 से टोटल 44.5 + 1.8 द आंसर विल बी 46.3, ये मेरा मिला x बार। अब ये x बार को यहाँ पे यूज करना है। बराबर, अब x में से ये x है ना, उसमें से मुझे इसको माइनस करना है, तो 14.5 में से 46.3 माइनस करेंगे 14.5, तो आंसर आ रहा है 31.8। बराबर, प्लस माइनस यहाँ पर मैटर नहीं करता, 31.8 यहाँ पे आएगा, 21.8 यहाँ पे आएगा, 11.8 यहाँ पे आएगा, 8.2 यहाँ पे आएगा, 18.2 यहाँ पे आएगा, 31.8 21.8 11.8 यहाँ पे आएगा, 1.8 ठीक है, यहाँ पे आएगा 8.2 यहाँ पे आएगा, 18.2 और यहाँ पे आएगा 28.2। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐप से इसको मल्टीप्लाई करना है, 11 को इससे मल्टीप्लाई करना है, समझो। तो मैं करके दिख रहा हूँ कि आंसर आ रहा है भी 11 × 31.8, आंसर विल बी 349.8। ऐप को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 501.4, 531, 129.6, 401.8, 546, 564, टोटल आएगा इसका 3023.6। अब एम डी का फॉर्मूला लिखेंगे, एम डी का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ इन एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, 3023.6 डिवाइडेड बाय एन कितना था, 250, जो आंसर आएगा 3023.6 डिवाइडेड विथ 250, आंसर आएगा अपने पास 12.09, इसका आंसर आएगा 12.09। अब ये क्या था, ये अबाउट मार्क्स था, तो इसके पीछे अपने मार्क्स लिख देंगे। अब पूछा है कोफिशियंट ऑफ द मीन डेविएशन, तो उसका था एम डी डिवाइडेड बाय एक्स बार 12.09, एक्स बार कितना है अपने पास 46.3, तो आंसर उसका भी आ जाएगा 0.26। ऐसे सम कंप्लीट होता है, बराबर, ये भी सम है, ये सम सेम, ये मेथड से करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स बार इसका क्या आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 85.6, आपका एम डी कितना आएगा 23.504, तो आपको ये करना है। और ऐसे अपना जो पार्ट 4 था अबाउट द मेन डेविएशन, जिसके ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों के सम दिखे, बराबर, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बराबर,
तो आप ये वीडियो जरूर देखिए क्या। और नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो पार्ट फाइव आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरियंसेस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस पूरे जो सम होते हैं ना, लिटल बिट हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? बिकॉज उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो याद रखने बच्चों को सही नहीं लग रहे, मज़ा नहीं आता उनको याद रखने में। बराबर, अपने यूज्ड टू हो गए मीन से एक्स बार पे, वो ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस का जो पार्ट फाइव आएगा, बराबर, उसमें ढेर सारे सम, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस, उसके जो चार पांच सम है जो मोस्ट मोस्ट टाइम पे है, बराबर, वो सम यहाँ पे अपने कवर करेंगे। और फिर पार्ट सिक्स आएगा, इट्स अबाउट द स्क्यूनेस, बात की बात है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है, इट्स ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरियंस, बराबर। तो उसके ऊपर जाएंगे। अगर अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है, आप इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, या फिर आपको इसमें से कुछ समझ में आ रहा है, और आपको लग रहा है कि मेरे एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की ये हेल्पफुल होगा, तो जो बच्चे सही में इसका यूज़ कर पाएंगे उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, बराबर। और मेहरबानी करके थोड़ा कमेंट कीजिए तो पता चले कि आगे वीडियो बनाना सही है कि नहीं, बराबर। थैंक यू।